चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अमीषा बोहरा जी के पास, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रभुदास लीलाधर ग्रुप। अमीषा जी, शुभ दीपावली। बहुत शानदार संवाद रहा पिछला एक महीना अगर इंक्लूड कर लें उसके बावजूद, इस संवाद पर अब आपका क्या व्यू होगा? आपको भी खूब खूब दीपावली की शुभकामनाएं और नए साल की भी, और सभी दर्शकों को भी बहुत सी शुभकामनाएं। आपने और सभी दर्शकों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि थोड़ा अर्निंग्स में स्लो डाउन है, वैल्यूएशंस हाई है, एंड इसीलिए मार्केट थोड़ा करेक्शन जोन में है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मार्केट में पैसा तो बनेगा, बट पैसा थोड़ा सिलेक्टिवली बनेगा, मार्केट की ब्रेथ कम हो जाएगी, और मार्केट में पैसा बनाने के साथ थोड़ा पैसा संभालने के मोड में आना पड़ेगा। एंड इसीलिए फोकस लार्ज कैप, क्वालिटी और लिक्विड स्टॉक्स पे लाना पड़ेगा। लार्ज कैप, लिक्विड स्टॉक्स और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करके फायदा नहीं होगा, ब्रेथ रिड्यूस होगी, आपको सिलेक्टिव होना है। अमीषा मैम, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये कोविड टाइम्स के बाद से ये पिछला एक महीना पहला ऐसा होगा कि प्राइस वाइज, टाइम वाइज इस तरह का सरदर्द हम लोग झेल रहे हैं, हम नए नए रिटेल वाले। ऑफ लेट कुछ ऑब्जर्व करा आपने? पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है या फिर क्योंकि अभी तक यही एक जान बना हुआ था बाजार की, सबको अब्जॉर्ब कर रहे थे हम लोग, सबकी सेलिंग को। लग रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ठंडा पड़ेगा या इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? ऐसे कोई घबराने की जरूरत है नहीं। तो इट इज टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, क्योंकि इसके पहले जो भी करेक्शन आया तो इतना जल्दी रिकवर हो गया कि अभी तक वही मोड में मेरे हिसाब से रिटेल है, कि ये करेक्शन भी बहुत शेलो होगा। शेलो करेक्शन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसा कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है लास्ट 3 साल में कि जब भी अर्निंग्स ग्रोथ पे कहीं पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो, जब मार्केट बहुत चला हुआ। तो मुझे लगता है कि इफ नथिंग टाइम वाइज तो कंसोलिडेशन फेज विल कंटिन्यू एंड थोड़ी हमारी पेशेंस चेक हो जाएगी। अब हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी जुड़े हैं। अमीषा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत, शुभ दीपावली आपको भी। गुरमीत बताइए, इस साल की शुरुआत में कौन कौन सी थीम्स आपके हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगी? हेलो सब, आपको, सारे दर्शकों को, आप मरुआ तेरे वाले दिन मीडिया के लोग मेहनत करते हैं। मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और होप करूंगा कि अगली दिवाली थोड़ी लंबी हो। तो क्योंकि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दियो की बात कर रहे हैं, तो मैं एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर अनुज बहुत बुलिश हूँ। हमने पहले भी चर्चा की है। तो एक जो NEP आया है, जो पूरा पावर का वैल्यू चेन है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैं बहुत बहुत इसको लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए, पावर जनरेशन में आप देखिए, NTPC अकेला करीबन अगले 2 साल में 40-45 गीगावाट थर्मल ऐड करेगा, और उनका 2030-31 का लक्ष्य है 60 गीगावाट रिन्यूएबल ऐड करने। तो जनरेशन में आपको 14-15% कैगर की ग्रोथ दिखेगी। आप 11-11 रुपये का EPS था कोविड में NTPC का, आज 22 रुपये है। Q1 के जो नतीजे आए उसमें 5 रुपये प्लस आ गया है, तो लगभग 23-24 EPS इस साल का होगा। वैल्यूएशन रीजनेबल है। टाटा पावर आप देखिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्विपमेंट में। 2027 में वो रेवेन्यू को डबल करने की बात कर रही है, 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ प्लस की बात कर रही है। एबिट को डबल करने की बात कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, जो ट्रांसमिशन खर्चा है वो करीबन 4-4.5 लाख करोड़ का है अगले 4-5 साल में। उसमें जो सर्किट किलोमीटर है, सब स्टेशन है, HVDC टेक्नोलॉजी है जिससे आप हायर एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो काफी पैसा बनने वाला है। इसके अलावा एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है क्लीन एनर्जी का लेके, तो उसमें आप बायो एनर्जी में हमें प्राज पसंद है और बहुत सारे नाम इसमें पसंद है। दूसरा एक स्पेस जो इससे रिलेटेड है वो रिसाइकिलिंग है। हम इतना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन, और हम डिप्लीट कर रहे हैं, पर हम उनको रिसाइकिलिंग कम कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखें तो 35 लाख करोड़ की है, इंडिया उसका 1% भी नहीं। आप प्लास्टिक्स की बात करिए, हम अब जाके रिसाइकिलिंग शुरू करिए, रिसाइकिल प्लास्टिक्स। आप देखिए, करीबन करीबन 600-700 करोड़ बॉटल्स रिसाइकिलिंग करनी है हमें हर साल की, प्लास्टिक मैनेजमेंट करने के लिए। तो
तो हमें उसमें गणेशा इकोस्फेयर पसंद है, मेरी आपसे चर्चा हुई थी तब से स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। वाटर मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्क है, हमारे पॉपुलेशन 18% है वर्ल्ड की और वाटर हमारे पास सिर्फ 4% है, तो वाटर का डिसैलिनेशन वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी थीम है। हमारा सीवर नेटवर्क मेट्रोज में ही सिर्फ 30% है, टीयर टू में तो अभी आया ही नहीं। और लास्ट स्पेस जो मुझे अच्छी लगती है वो डिजिटल स्पेस अच्छी लगती है, जो न्यू एज कंपनीज हैं जिनका वेटेज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इन तीन चार थीम्स पे इस संबंध में हम पोजिशंस बनाएंगे और मार्केट करेक्शन ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दी है। न्यू एज कंपनीज मतलब, गुरमीत आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, न्यू एज कंपनीज मतलब कौन सी आपके रडार पे हैं? तो हमें जोमेटो अच्छा लगता है आशीष, आप देखिए पिछले क्वार्टर अगर आप देखेंगे फूड डिलीवरी तो 20% बढ़ा ही है उनका जीओवी, ब्लिंकिट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर आप अभी देखेंगे तो वो 2,000 करोड़ के रन रेट पे है महीने के, क्वार्टर का 6,000 करोड़ करते हैं और टोटल इंडस्ट्री अभी इंडिया में सिर्फ $13 बिलियन। ये नंबर अकेला एक कंपनी करेगी साल भर के अंदर। पिछले क्वार्टर करीबन 150 स्टोर ऐड किए उन्होंने, अभी आप देखिए ग्रॉस ऑर्डर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ₹600 पहुंच गई है। फेस्टिव सीजन में ये और जंप हुआ है, सब कुछ सोल्ड आउट था क्योंकि हाई वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, फूड डिलीवरी में ऑलरेडी टेक रेट बहुत अच्छा है 21-22% का है। तो मुझे लगता है एक बार आप जब प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो उसके यूज केसेस बढ़ जाते हैं। अभी वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप निकाल रहे हैं जिसमें वो टिकटिंग और डाइनिंग आउट जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है उसको अलग से सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं ताकि उसमें और फोकस आए, तो ये हमें पसंद है। पॉल पी वी फिनटेक बहुत पसंद है, आप देखिए 93% ऑनलाइन इंश्योरेंस जो इंडिया में बिक रही है वो पॉलिसी बाजार के थ्रू हो रही है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। इनफैक्ट ICICI लोम्बार्ड और HDFC और वो पहले उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, अब वो भी आ गए हैं, मतलब प्लेटफॉर्म की इतनी पावर है। और पैसा बाजार अब एबिटा पॉजिटिव हो गया है, 16% जिनका क्रेडिट स्कोर ऊपर है, जो लेंडिंग क्रेडिट स्कोर हम बोलते हैं सिविल स्कोर है, वो कस्टमर्स की लीड पैसा बाजार से जनरेट होती है, प्लस वो आगे और पिविट करना चाहते हैं। और भी कुछ न्यू एज बिजनेस है मेरा, हमने ये देखा है आशीष की इंडिया US को ना 15-20 साल के लैग से फॉलो करता है। तो आप S&P 500 देखेंगे 2008 के करेक्शन से पहले तो फाइनेंशियल्स वहाँ पे 33-35% था, आज निफ्टी में फाइनेंशियल्स 33-35% है और तब टेक्नोलॉजी था वो 12-14% था, आज निफ्टी में टेक्नोलॉजी 12-13% है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का वेटेज है, डिजिटल का वेटेज है, ये बढ़ने वाला है अगले 5-10 साल में उसी इम्पैक्ट पे, क्योंकि ऑनलाइन कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे। अमीषा मैम, आप किन थीम्स पर बैक कर रही हैं इस साल, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया दे दें तो और भी बढ़िया। सो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा क्वालिटी और डिफेंसिव टिल्ट अगर देना है एंड साथ में ही अर्निंग्स ग्रोथ पे भी फोकस रखना है तो फ्यू फार्मा नेम्स विल बी रियली गुड, जहां पर हमें बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखेगी, दे आर स्टिल नॉट ओवरबोट नॉर ओवर वैल्यूड। तो उसमें सिप्ला है, दिविज है, लुपिन, ये तीनों में ये बार अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और मुझे लगता है कि BFSI सेगमेंट भी देखना चाहिए बट वेरी थोड़े डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफकोर्स ICICI बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है, जबकि पोर्टफोलियो क्वालिटी भी मेनटेन्ड है, कॉस्ट भी इंटेक्ट है, तो डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल भी अगर एक साल में कहीं पर अनलीश होता है तो निम मेंटेन रहेंगे, तो ICICI बैंक अच्छा लग रहा है। पर साथ ही में इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट को भी रखना चाहिए, इसलिए HDFC इंश्योरेंस एंड निपॉन एसेट मैनेजमेंट, ये दो नाम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रखिए इन स्टॉक्स को अमीषा मैम की तरफ से, वैसे भी कह रही थी थोड़ा सा ब्रेथ नए संवत में रिड्यूस हो रही होगी, कम स्टॉक्स बेहतर कर रहे होंगे, तो आपको चाहिए होगा कुछ चुनिंदा बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स पे दाव लगाएं, क्वालिटी और डिफेंसिव्स का तड़का ऐड कर सकते हैं, ये वो की आइडियाज़ हैं। गुरमीत पता है हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑटोज ने अच्छा करा पिछले साल, IT ने अच्छा करा, पर उसमें एक एक स्पेसिफिक पॉकेट थी लग्जरी कंजम्पशन जिसने गजब कर दिया पिछले संवत में, क्या वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू करेगी, उसमें रिलेटेड कोई स्टॉक्स पे आप दाव लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? हमारे एक स्टॉक था उसमें पोर्टफोलियो में जिसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिला, ईथॉस जो कि वॉच मेकर है, थोड़ा सा हमने देखा है कि कंजप्शन बास्केट चेंज हो रहा है और जो न्यू न्यू जनरेशन है वो ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा खर्च कर रही है और एसेट्स पे थोड़ा कम खर्च कर रही है, तो उसको एक थोड़ा हमें नज़र में रख के करना पड़ेगा। तो मेरा मेरा ट्रैवल पे व्यू बहुत अच्छा है, तो मुझे होटल स्टॉक्स अच्छे लगते हैं,
इंडियन होटल्स मुझे अभी भी अच्छा लगता है। हमारे पास एक अफ्लुएंट मिड सेगमेंट में लेमन ट्री है, वो बीच में काफी अच्छा कर रहा था, अभी थोड़ा सा करेक्शन आया, बट एसेट लाइट मॉडल हो। एयरलाइन में मुझे लगता है कि इंडिगो के नतीजे थोड़े से खराब आए, प्लस एक ओवरहैंग था गंगवाल जी के स्टेट का, वो दूर हुआ है। बिजनेस क्लास लॉन्च कर रहे हैं, नए नए रूट्स लॉन्च कर रहे हैं, पीक और ये भी फेस्टिव सीजन है, तो ये फ्यूल के प्राइसेस नीचे हैं, तो सारे वेरिएबल्स जो हैं फेवर के हैं। तो मैं ट्रैवल को एक तरीके से, मैं लग्जरी नहीं बोलूँगा, अफ्लुएंट थीम मानता हूँ। और थोड़ा सा मुझे मेरा मेरा जो फोकस है वो रूरल कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आशीष आप देखिए, आपने मैरिको की कमेंट्री देखी हो, उन्होंने रूरल अपटेक की बात करी। मारुति के आप नंबर देखिए, रूरल अच्छा किया, अर्बन थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। आप अभी जो महिंद्रा के नतीजे आए अक्टूबर के, जो ऑटो अपडेट आया, उसमें आप ट्रैक्टर का नंबर देखिए, क्रॉप बहुत अच्छा रहा है। मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ, मेरे होम टाउन में, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाजारों में रौनक है, थोड़ा सा मार्केट में अपटेक है, अर्ली साइन है, फिंगर्स क्रॉस करूंगा, बट थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल रिकवरी शायद ये साल की थीम बड़ी होने वाली है। और स्टेट इलेक्शंस पूरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा जो उन्होंने नहीं किया शुरू के 4 महीने। सारे वेरिएबल्स, मानसून हो गया, क्रॉप हो गया, कैश ट्रांसफर स्कीम्स हो गई, डिमांड अपटेक, सब रूरल रिकवरी के फेवर में जा रहा है। ओके अच्छा गुरमीत, एक इस अर्निंग सीजन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए क्या आगे भी, और अभी तो 15 दिन बाकी है अर्निंग सीजन में, कुछ और एक्सीडेंट्स का रिस्क रहेगा? अनुज मेरे से सॉरी, मैं मिस कर गया। मैं कह रहा हूँ इस अर्निंग सीजन में 2-3 एक्सीडेंट्स देखे हमने, इंडसइंड बैंक का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बजाज ऑटो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और बड़े बड़े स्टॉक्स थे ये हेवेल्स, क्या आगे भी आपको लग रहा है अगले 15 दिन में और रिस्क हैं इसके? अनुज हो सकता है, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस था वो मुझे लगता नहीं कोई इतना रीड कर पाया, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन पोर्टफोलियो रहा है और माइक्रो फाइनेंस रहा है। देखिए पूना वाला ने अपफ्रंट की बैड न्यूज, बहुत बड़ा राइट ऑफ लिया अपने नंबर में, स्टॉक क्रैश हुआ था, 250 के लेवल पे आया था, बाद में जब उन्होंने कमेंट्री दी उसने, क्योंकि नई लीडरशिप टीम है, अरविंद कपिल है, XHDFC है, और वो डिजिटल से अब फिजिटल मॉडल जाना चाहते हैं, तो ओपेक्स भी बढ़ रहा है, ब्रांचेस भी खुल रही है, मिस्टर बुकाडा थे उनका पूरा फोकस डिजिटल पे था, तो कुछ एक एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल्स में, ऐसा मेरा मानना है, और कुछ अच्छे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए फेडरल बैंक के नतीजे बहुत अच्छे आए इसी स्पेस में, ICICI के नतीजे जो है काफी अच्छे आए इसी स्पेस में, इंडसइंड के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए, तो फाइनेंशियल में मुझे लगता है थोड़ा सा जिनका अनसिक्योर्ड लोन है उस वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ एक स्ट्रेस शायद रह सकता है, कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ माइक्रो फाइनेंस में, कुछ NBFCs में, और थोड़ा सा जो FMCG कंपनीज है, क्योंकि वैल्यूएशन इतने रिच है कि बाजार कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी प्राइसिंग करेगा, जैसे अच्छी न्यूज भी प्राइसिंग कर रहा था, क्योंकि वहां पे ग्रोथ जो है शिफ्ट हो रही है, और मैंने जैसा बोला कंजम्पशन बास्केट शिफ्ट हो रहा है, तो वहां उस पॉकेट से जो है मैं थोड़ा सा फोकस रहा है, तो मैं स्टेपल से दूर रहूंगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, जहां पे हमें अपटिक दिख रहा है वहां पे आपको थोड़ा सा पहले पोजिशन करना पड़ेगा, जैसे ऑटो है, आप महिंद्रा के नंबर्स देखिए, और थार रॉक्स और XUV का जो नया मॉडल था उनका 3XO, उससे उनका रन रेट बड़ा है और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ी है, और UV में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन होंगे इन पॉकेट्स में तो कुछ अच्छे स्टॉक पिक्स भी मिलेंगे, थोड़ी मशक्कत लगेगी, बट